कि आने वाले विधानसभा के चुनाव जो कि लोकसभा चुनाव से पहले होंगे, यकीनन इस बात को भी आप लिख कर ले लें, लोकसभा से पहले होंगे। और अब तो उसकी भूमिका और तेज़ी से बनेगी। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही नेताओं के साथ धोखा किया, अपने ही नेताओं के साथ धोखा कर कर उन्होंने जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी के नाम को ज़्यादा प्राथमिकता दी, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने भैया आपको विधानसभा के चुनाव में आपको नुकसान पहुंचाया, आपको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, आपके आधे से ज़्यादा सिटिंग विधायक, सिटिंग मंत्रियों को हरवाने का काम किया। तो सिर्फ ये रंजिश निकालने के लिए, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के लिए, बदला लेने के लिए आपने मेरे ही परिवार के एक सदस्य को मंत्री बनाने के लिए आपने अपने पार्टी के नेताओं को आपने इग्नोर किया। यकीनन आने वाले दिन में मेरा पूरा दावा है, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट देखने को आप लोग को देखने को मिलेगी। कई ऐसे नेता हैं जो हम लोग के भी संपर्क में हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो हम लोग के भी संपर्क में हैं। और बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में टूट के साथ ही बिहार में पुनः विधानसभा चुनाव की भूमिका तैयार होगी। और उस बिहार विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि जो लोक जनशक्ति पार्टी ने आज की तारीख में 6% का मत हासिल किया है, इसमें ना सिर्फ वृद्धि होगी बल्कि आने वाले समय में। और ये विश्वास मुझे इस बात से मिलता है, क्यों? क्योंकि अब मैं जनता के बीच